हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजपूत समाज के बाद जाट समाज ने भी की भाजपा से बगावत। प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भाजपा की मुश्किल कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भाजपा के परंपरागत वोटर्स रहे राजपूत समाज पहले से नाराज चल रहे हैं और आज जाट समाज ने भी भाजपा से बगावत कर दी। प्रदेश के सबसे बड़े जातीय समूह जाटों की सबसे बड़ी संस्था राजस्थान जाट महासभा ने सोमवार को भाजपा से नाता तोड़ने की घोषणा की है। जाट महासभा की ताजा घोषणा भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। महासभा के जिला अध्यक्ष जीआर पुनिया ने सोमवार को अन्य पदाधिकारियों के साथ एक प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा ने जाटों के साथ ठगी की है। समाज के लोगों की हमेशा उपेक्षा की गई और उचित प्रतिनिधित्व तक प्रदान नहीं किया गया। भाजपा के शासन में किसानों के साथ सबसे अधिक अन्याय हुआ। इस कारण गत चुनाव में खुलकर भाजपा के साथ देने वाली महासभा ने सर्वसम्मति से भाजपा का साथ नहीं देने का निर्णय किया है। प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मेल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि फिलहाल महासभा ने ये तय नहीं किया है कि विधानसभा चुनाव में किसका साथ देंगे। दीपावली के बाद वृहद स्तर पर बैठक आयोजित कर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए ये निर्णय किया गया। महासभा का ये निर्णय काफी सोच विचार करने के बाद लिया गया। ऐसे में इस निर्णय को बदला नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश के जाट एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 14% है। जाट समाज का समर्थन जिस पार्टी की तरफ होता है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती आई है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।